हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मारॉक्स यूट्यूब चैनल। फार्मारॉक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे नबूमेटोन टैबलेट्स के बारे में। तो हम सीखेंगे ये मेडिसिन के बेसिक यूज़ के बारे में, साथ ही जानेंगे उसके डोज, साइड इफेक्ट्स एंड वार्निंग एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन की डिटेल स्टडी करेंगे और जानेंगे उसके मार्केटेड फार्मुलेशन निलाइटिस 500 mg टैबलेट्स के बारे में। तो सीखते हैं डिटेल में नबूमेटोन मेडिसिन के बारे में। तो एक्सपर्ट लेक्चर बाय अमर सर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फाउंडर ऑफ फार्मारॉक्स। थैंक यू फॉर बीइंग फार्मारॉक्स फैमिली। अपडेटेड रहिए फार्मा नॉलेज के साथ, सब्सक्राइब करिए चैनल फार्मारॉक्स, साथ ही हमारे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करके जिसका नाम है हॉलीवुड टू हिंदी एक्सप्लेन, के जहाँ पे आप अलग अलग हॉलीवुड्स की मूवी को सिंपली एक्सप्लेन करके देखेंगे हमारे चैनल के ऊपर। तो जरूर से सब्सक्राइब करिए चैनल, कि जो हमारा सेकेंड चैनल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी और कॉमेंट बॉक्स के अंदर भी आप ये चैनल की लिंक आपको मिल जाएगी। तो दवाइयों के बारे में सीखिए, उनके बेसिक यूज़ के बारे में, कैसे दवाइयाँ यूज़ होती है, बीमारियों का इलाज, साइड इफेक्ट, वार्निंग एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस को एक साल तक अफोर्डेबल प्राइस में फार्मारॉक्स के ऊपर। तो एंड्रॉयड यूज़र एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करें, आईफोन यूज़र ऐप स्टोर से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर 9016312020 पे आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो अब समझते हैं नबूमेटोन टैबलेट्स के बारे में। तो ये ऐसे क्लास का मेडिकेशन है कि जिसको हम नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स कहते हैं, और ये मेडिकेशन के पास तीन तरह की प्रॉपर्टी है। एक, उसके पास एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी की जो पेन किलर के तौर पे काम करता है, दर्द निवारक के तौर पे ये काम करती है। सेकंड है, उसके पास एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन, मतलब कि वो सूजन यानी कि स्वेलिंग को कम करती है बॉडी के अंदर। और तीसरी, एंटीपायरेटिक एक्शन होने के कारण ये फीवर को भी ट्रीट करते हैं, कि मतलब कि जब आपको बुखार आता है, बदन दर्द करता है या फिर बॉडी में सूजन है, तो सभी मेडिकल कंडीशंस में ये टैबलेट को यूज़ किया जाता है। फिर सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये टैबलेट्स की वार्निंग है कि उसका रिस्क ये है कि ये आपका हार्ट अटैक या फिर चेस्ट पेन या फिर जो स्ट्रोक होता है उसका जो रिस्क है वो ये मेडिसिन बढ़ा देगी, जिसको हम डिटेल आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो ये एक आपको खास ध्यान रखना है कि जब भी कोई पर्सन ये नबूमेटोन के जो टैबलेट्स है उसको लंबे समय तक हाई डोज में यूज़ करता है, तो अगर उसको दिल की बीमारी नहीं है तो भी उसको ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, या फिर ऑलरेडी समझो कि आपको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो, तो ये कंडीशन आपके लिए और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तब उसके बेसिक यूज़ समझते हैं। तो ये मेडिकेशन सभी टाइप के पेन को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है, जैसे कि और जितने भी अलग अलग टाइप के पेन है, कि आपको बदन दर्द कर रहा है, डेंटल पेन है, मतलब कि दांत की कोई सर्जरी और उसके बाद आपको पेन हो रहा है, या फिर आपके जॉइंट में पेन हो रहा है, जोड़ों का दर्द हो रहा है, तो सभी टाइप के पेन में ये यूज़ की जाती है। फिर जितने भी अलग अलग इन्फ्लेमेटरी कंडीशन, मतलब कि बॉडी के अंदर जब भी कोई सूजन आती है, किसी जॉइंट्स में सूजन होती है, या फिर जो आर्थराइटिस की जो हम कंडीशन कहते हैं, गठिया रोग, या फिर जो सिम्टम्स होते हैं बॉडी पेन एंड फीवर के, मतलब कि आपका बदन दर्द भी करता है, बुखार भी आता है, आर्थराइटिस की जो कंडीशन, गाउटी आर्थराइटिस, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, सभी मेडिकल कंडीशंस की जहाँ पे तीन चीज़ होती है, एक तो फीवर हो और साथ में पेन हो, और तीसरा जब वहाँ पे सूजन होती है, तो सभी कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए नबूमेटोन के टैबलेट्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं। अब उसके वर्किंग के बारे में समझे, तो नबूमेटोन क्या करता है, जो नेचुरल सब्सटेंसेस जो प्रोड्यूस होते हैं और कि जो साइक्लोऑक्सीजिनेस है, कि जो एंजाइम आगे जाके प्रोस्टाग्लैंडिंस के सिंथेसिस में हेल्प करते, तो उसकी इफेक्ट को ब्लॉक करके अपनी एक्शन देता है। और हम जानते हैं कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन है वो ऐसा मेडिएटर है कि जो पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल बनता है, कि जब भी प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होता है या फिर प्रोस्टाग्लैंडिन तैयार होता है किसी इंजरी हुई जगह पर या फिर किसी इन्फेक्शंस की जगह पर, तो वो क्या करता है कि वहाँ पर दर्द के सेंसेशन बढ़ा देता है, वहाँ पर सूजन प्रोड्यूस करता है, और साथ ही साथ वहाँ पे आपको ये कंडीशंस होने के कारण बॉडी में बुखार आ जाता है। तो ये सभी कंडीशंस प्रोड्यूस होती है जब प्रोस्टाग्लैंडिन बनता है। तो ये हमारी मेडिकेशन क्या करती है, ये प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को ही कम्प्लीटली इनहिबिट कर देती है, कॉक्स एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देती है, जिससे आगे जाके प्रोस्टाग्लैंडिन ही नहीं बनता और धीरे धीरे आपका पेन, दर्द, सूजन वगैरह कम हो जाती है। तो अब ये मेडिकेशंस के डेली डोज के बारे में समझे, तो रिकमेंडेड डेली डोज खासकर ये है कि जब सेफ डोज की हम बात करें, कि जो सेफ डोज है और जो भी ज़्यादा से ज़्यादा आप 5 दिन के लिए या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 7 डेज तक यूज़ करें, या फिर मैक्सिमम
और 10 डेज तक आप खाएं तो वो रहेगा 500 मिलीग्राम वंस अ डे, मतलब कि एक ही टैबलेट लेनी है पर डे, और वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन तक और मिनिमम 5 दिन तक आप यूज़ करें, और ये भी तभी यूज़ करने के दूसरे एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशंस आपके लिए काम नहीं कर रही, जैसे कि पैरासीटामोल है, एसिक्लोपेनिक है, डाइक्लोपेनिक, सेराटियोपेप्टिडेज, एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन वगैरह काम नहीं कर रही, तो ही आपकी चॉइस रहेगी कि आप नबूमेटोन को यूज़ करें। क्योंकि आप साइड इफ़ेक्ट्स देखो तो आपको वो डायरिया कर सकता है, दस्त हो सकते हैं, या फिर कुछ लोगों को उसके कारण कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, फिर कुछ ऐसे कि गैस हो जाता है, कुछ लोगों को ब्लोटिंग जैसा फील करते हैं, मतलब कि पेट में गैस बनने या फिर पेट फूल जाना, ऐसे कंडीशन प्रोड्यूस होती है। फिर कुछ लोग डिजीनेस जैसा, मतलब कि उसको नींद आती रहे ऐसा फील करते हैं, सर दर्द जैसे भी फील होता है, फिर ड्राई माउथ जैसे कंडीशन फील होती है इसके अंदर, कि आपको ऐसा फील हो कि आपके माउथ के अंदर सलाइवा कम हो रही है, या फिर बार बार आपको प्यास लगे तो उसको ड्राई माउथ जैसा कहते हैं हम, तो वो भी एक साइड इफ़ेक्ट डेवलप होती है ये मेडिकेशन के कारण। फिर सोर इन ए माउथ, मतलब कि ऐसे छाले बन सकते हैं, कि यहाँ पे आप देखो ये डायग्राम में बताया है, ऐसे आपके ओरल कैविटी के अंदर, आपके माउथ के अंदर छाले बन सकते हैं, जिसको माउथ अल्सर हम कहते हैं, और कई बार ये सभी कंडीशंस के कारण या फिर साइड इफ़ेक्ट्स के कारण आप जो वो नर्वसनेस जैसा भी फील करते हैं अगर ये मेडिकेशन को लंबे समय तक यूज़ करते हैं। फिर स्लीपिंग डिफ़िकल्टी एक साइड इफ़ेक्ट डेवलप होती है, मतलब कि आपको जो सोने में काफ़ी दिक्कत आती है, भले नींद आती है ऐसा आप फील करें, बट आपको नींद नहीं आएगी प्रॉपरली, आप जागते ही रहेंगे, ऐसा कॉम्प्लिकेशंस होगा। फिर स्वेटिंग, मतलब कि आपका पसीना जो है वो बढ़ेगा, आपको पसीना ज़्यादा आएगा ये मेडिकेशन लेने के बाद। कान में जैसे घंटी बज रही है ऐसा फील करेंगे, कि जिसको मेडिकल टर्म्स में कहा जाता है रिंगिंग इन द ईयर्स। फिर और लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब कि आपको भूख कम लगेगी, कि आपको ऐसा लगेगा कि आपकी भूख कम हो गई है, उसके बावजूद आपका जो है वो वजन बढ़ सकता है, सांस लेने में डिफ़िकल्टी हो सकती है। और जैसे अभी बात की कि भूख कम लगेगी, फिर भी वजन जो है वो बढ़ सकता है आपका, अनएक्सपेक्टेड वेट गेन जिसको कहा जाता है, तो ये कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होता है उसके साइड इफ़ेक्ट के तौर पर। फिर बॉडी के अंदर वीकनेस, कि भूख कम लग रही है तो वीकनेस आएगी और थकान जैसा फील करेंगे आप, फिर भी आपका वेट गेन होता है, नींद नहीं आती रात को लेट तक, और आपके हार्ट बीट्स जो है वो इंक्रीज़ होते हैं, तो ये कुछ उसके साइड इफ़ेक्ट्स डेवलप होते हैं। अब डिस्कस करेंगे, तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया उस तरह से ये मेडिकेशन की वार्निंग ये है कि ये जो है वो ऐसी जानलेवा साइड इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस कर, जैसे कि हार्ट अटैक है, चेस्ट पेन, मतलब कि आपको छाती में दर्द हो सकता है, और स्ट्रोक भी आ सकते हैं, तो ऐसे कुछ वार्निंग एंड रिस्क रहती है ये मेडिकेशन को यूज़ करने पर। फिर दूसरे वार्निंग्स हम देखें तो जो हार्ट अटैक का और स्ट्रोक का रिस्क जो है वो ये मेडिकेशन बढ़ाती है, इसलिए एक एडवाइस ये रहती है कि अगर आपको बाईपास सर्जरी करानी है या फिर ऑलरेडी आपने बाईपास सर्जरी कराई है हार्ट की, तो ये मेडिकेशन को कभी भी यूज़ ना करें। फिर जो आपके स्टमक के अंदर जो ब्लीडिंग हो सकती है उसके कारण, कि वहाँ पर वो अल्सर प्रोड्यूस कर सकता है, और अल्सर के बाद वहाँ से जो है वो खून आ सकता है, कि जिसको स्टमक ब्लीडिंग कहते, तो उसका रिस्क भी ये मेडिकेशन बढ़ाती है। उसी तरह से जो इंटेस्टाइन्स होते हैं हमारे, तो वहाँ पे भी ये ब्लीडिंग करवा सकता है, उसका रिस्क जो है वो बढ़ सकता है, हार्ट अटैक का जो है वो रिस्क बढ़ता है। फिर ये मेडिकेशन आपके किडनी डैमेज कर सकता है, लीवर को डैमेज कर सकता है, और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस हो सकती है, जैसे कि आपके बॉडी के ऊपर अचानक से स्वेलिंग देखने को मिलेगी, हाथ में सूजन देखने को मिलेगी, आपके लेग्स में सूजन देखने को मिलेगी, आपकी आँखों के आसपास, आपके लिप्स के ऊपर, जीभ के ऊपर, तो ऐसे अचानक से स्वेलिंग देखने को मिले, जिसको हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस, और साथ में बॉडी के ऊपर आपको खुजली हो सकती है, तो ऐसे भी कुछ एलर्जिक रिएक्शंस डेवलप हो सकते हैं नबूमेटोन के कारण। फिर उसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस हम देखें तो किन लोगों को ये मेडिकेशंस कभी भी यूज़ नहीं करनी है, या फिर हो सके तो उसको अवॉइड ही करें, बिकॉज यहाँ पे जैसे आपने देखा कि ये मेडिकेशंस के रिस्क जो है वो ऐसे हैं कि जानलेवा रिस्क है, तो रिस्क बहुत ज़्यादा है, और बेनिफिट आपको सिर्फ यही मिलते हैं कि दर्द निवारक के तौर पर काम करता है, बुखार कम करता है और सूजन कम करती है। बट आप देखो इसके कंपेयर में बहुत सारे सेफ़ ऑप्शंस हमारे पास है, कि दूसरे भी जो नसिड्स दवाइयाँ हैं, जैसे कि हमने एस्पिरिन के बारे में सीखा था,
पैरासीटामोल के बारे में सीखा, आइबुप्रोफेन है, एसिक्लोफेन है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको एलर्जी है इसकी तो भी यूज़ ना करें। आपने बाईपास सर्जरी कराई है या फिर आप हार्ट के पेशेंट हैं तो भी ये टैबलेट को यूज़ ना करें। हार्ट डिसीज से मतलब कि आपको आपका दिल कमज़ोर है, हार्ट रिलेटेड आपको बीमारी है तो भी उसको यूज़ ना करें। आर्टरीज रिलेटेड प्रॉब्लम है, जैसे कि आपकी जो आर्टरीज के अंदर की जो खून लेकर जाती है उनमें फैट जमा हुआ है तो वो भी आप ये मेडिकेशंस को यूज़ ना करें। फिर जो पेप्टिक अल्सर है वो पेशेंट भी उसको यूज़ ना करें। या फिर आपका लीवर या फिर किडनीज दोनों ख़राब है तो भी यूज़ ना करें। बच्चों में यूज़ ना करें कभी भी, और प्रेगनेंसी के दौरान उसको जो है वो अवॉइड करें। तो हमारा जो सेकंड चैनल है कि जिसका नाम है हॉलीवुड टू हिंदी एक्सप्लेन, उसको ज़रूर से सब्सक्राइब करें और ज़रूर से नोटिफिकेशन के लिए प्रेस करें हमारा बेल आइकॉन को। तो अभी सब्सक्राइब कर ले हमारी ये सेकंड चैनल हॉलीवुड टू हिंदी एक्सप्लेन, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो दवाइयों के बारे में सीखे, उनके बेसिक यूज़, डोज, साइड इफेक्ट एंड वार्निंग एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस को एक साल तक अफोर्डेबल प्राइस में फार्मारॉक्स के ऊपर। तो सीखे दवाइयों के बारे में, उनके बेसिक यूज़ के बारे में, डोज, साइड इफेक्ट, वार्निंग एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस को एक साल तक एक्सेस कर सकते हैं हमारा मोबाइल एप्लीकेशन, व्हाट्सएप कर सकते हैं 9016312020 पे, या फिर डाउनलोड करें आप फार्मारॉक्स, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।